नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो कि हम लोग सीरीज लेके आए हैं, इस सीरीज के अंतर्गत आपके 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये आपका 8वां पार्ट है और बिल्कुल डीप में आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल हम पढ़ा रहे हैं। लगभग आपके 2 चैप्टर ख़त्म होने के आ रहे हैं और लगभग यहाँ पर 250 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं और हम आपको यूपी स्पेशल बिल्कुल डीप में ले जा रहे हैं और आपके एग्जाम के पहले ही पहले आपका पूरा का पूरी यूपी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। साथ में आपको यूपी करंट अफेयर भी कंप्लीट करा देंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। डेली के डेली आप टेस्ट लगाते जाइए। डेली लगभग आपको 10 बजे आपको दिन में आपको मिल जाता है यूपी स्पेशल का टेस्ट, ठीक है ना। तो डेली आप 10 बजे लगभग आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 73 नंबर कि धुरिया लोक नृत्य है। धुरिया लोक नृत्य है तो ये किस क्षेत्र का है? तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, बुंदेलखंड का है। कहाँ का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का है, जो कि कुम्हार जात के नर्तक पुरुषों द्वारा स्त्री रूप धारण करके उसके महिला भाव और कह सकते हो कि महिला भाव के रूप में इनको प्रदर्शित और नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? तो कुम्हार जात के द्वारा किया जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है? बनारस घराने से आपसे पूछ रहा है तो आपके देखिए आपका रसूलन बाई, ठीक है, कौन? रसूलन बाई, और दूसरी आपकी मोती बाई, और तीसरी आपकी सिद्धेश्वरी देवी। ये तीनों आपके बनारस घराने से हैं, जबकि आपकी बेगम अख्तर का जो संबंध है वो आपके पटियाला घराने से है, ठीक है ना। इस प्रकार से बनारस घराने से जो संबंध है वो आपके कौन हो जाएंगे? 74 का ऑप्शन आपका डी हो गया। देखो आपका बी, सी और आपका डी, ठीक है ना, आपका डी नंबर आपका या 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। कह रहा है आपसे यहाँ पर लच्छू महाराज और आपके कुछ यहाँ पर हैं, तो आपका जो लच्छू महाराज का संबंध ये आपका किससे है? लच्छू महाराज का जो संबंध है वो कथक से है। किससे? कथक से। तो इनमें मिलान करते हैं, लच्छू महाराज का संबंध किससे है? कथक से है, ठीक है ना। और आपके जो आपके फैज उद्दीन है, ये कह सकते हैं फयाज खान है, इनका जो संबंध है ये आपका कहाँ से? तो ध्रुपद गायन से। किससे है? ध्रुपद गायन से है, तो इसका आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। और आपके कह सकते हैं कि जो सिद्धेश्वरी हैं, ठीक है, सिद्धेश्वरी हमने बताया तो ये मुख्य रूप से आपके ख्याल एवं ठुमरी गायन करती हैं, ठीक है, ख्याल और आपका ठुमरी। तो आपका जो लास्ट बचा है तलत महमूद, इनका किससे हो जाएगा? आपके गजल से हो जाएगा, ठीक है, किससे? गजल से हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिलान करना था, ठीक है ना, इस प्रकार से मिलान करना था। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है। हमने पिछले वीडियो में भी बहुत जिक्र किया है इसके बारे में कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो स्थापित है आपके कहाँ पर स्थापित है। राइट आंसर आपका जो हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पर 2, बिठूर में है, ठीक है ना। कहाँ पर है? बिठूर में है, और बिठूर गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर से लगभग 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में आपका स्थित है। और कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्रकूट में भी वाल्मीकि आश्रम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, ठीक है ना, कि बौद्ध और जैन धर्म दोनों का ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है उत्तर प्रदेश में, आपकी कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, कौशाम्बी। कहाँ पर है आपका? कौशाम्बी, जो कि उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? ये भी प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है, जो कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका हैं। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ठुमरी गायिका जो संबंधित है वो आपकी कौन है? तो आपकी ये आपकी कौन है? गिरजा देवी हैं। तो ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, गिरजा देवी का जो संबंध है वो बनारस घराने से है, ठीक है, बनारस घराने से आपका संबंध है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किस घराने में ठुमरी अंग गायकी को प्रसिद्ध जो अधिक प्रसिद्धि मिली है ठुमरी अंग गायिका को? तो आपकी ये घराना कौन सा है? तो 79 का ऑप्शन राइट आपका 2 हो जाएगा, आपका बनारस घराना, ठीक है, कौन सा? बनारस घराना आपका है। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर कि सहारनपुर घराने के संस्थापक कौन है? सहारनपुर घराने के संस्थापक कौन है?
तो इनके जो संस्थापक हो जाएंगे, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा मोहम्मद जमा, ठीक है। कौन आपके? मोहम्मद जमा है, जो कि बनारस घराने के आपके संस्थापक माने जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 81 कह रहा है कि बिस्मिल्ला खां का संबंध किस घराने से है, बहुत ही बार पूछा गया है। तो बिस्मिल्ला खां वो आपके मुमताज खान बनारस घराने के शहनाई वादक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये आपके बनारस घराने के हैं और ये शहनाई वादक है, ठीक है। और आपको पता है कि बिस्मिल्ला खां भारत के कह सकते हैं ये भारत रत्न प्राप्तकर्ता भी हैं। इनके अलावा श्रीमती एंजिम राजिम वायलिन भी हैं, ठीक है। चलो उनके बाद दूसरी है और मिलेगा तो उसके बारे में बताएंगे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया है, किसने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया है, तो ये समावेश किसने किया है। आपके चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर टू हो जाएगा, आपके बिंदादीन, ठीक है। कौन आपके? अवध के नवाब जो कह सकते हैं वाजिद अली शाह के दरबारी एवं अवध के महान संगीतज्ञ थे बिंदादीन महाराज ने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया और इन्होंने संदपिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है टप्पा गायकी शैली को प्रचलित किया था, टप्पा शैली ये भी बहुत ही बार पूछा गया है। तो टप्पा शैली को जो आपको कह सकते हैं प्रचलित किया था, एक ये था आपके ऑप्शन राइट आपका फिर फोर नंबर आपके मियां सौरी, कौन आपके? मियां सौरी हैं। और कह सकते हैं कि जो पंजाब की हीर शैली मायकी पर आधारित आपकी है, ठीक है ना। तो आपका 83 का ऑप्शन आपका जो हो जाएगा फोर हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है, पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट आपका बनारस घराना है, ठीक है, बनारस घराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा घराना सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका ये सितार वादन के लिए आपका है तो इटावा घराना, जिसे गौरीपुर घराना भी कहा जाता है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा? थर्ड हो जाएगा, इसे इटावा घराना या गौरीपुर घराना भी कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि ख्याल गायकी को किस घराने ने बुलंदियों पर पहुँचा दिया, ख्याल गायकी को किस घराने ने बुलंदियों तक पहुँचा दिया था, ये पहुँचाए थे आपके ऑप्शन राइट का 86 का हो जाएगा फर्स्ट आपके यहाँ पर रामपुर। याद रखिएगा कि अमीर खुसरो द्वारा शुरू की गई ख्याल गायकी को रामपुर घराने ने आपकी बुलंदियों पर पहुंचा दिया था और इस घराने के संस्थापक आपके जो हैं वो नेमत खां सदारंग और उनके शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा घराना सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा घराना सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है, तो सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर जो हो जाएगा बी नंबर शाहजहांपुर, ठीक है ना। शाहजहांपुर घराना सरोद वादन के लिए आपका विशेष रूप से आपका प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं सैयद सलार मेला आयोजित होता है, ये अभी पिछली बार यूपीपी में पूछा गया था, सैयद सलार मेला आयोजित किया जाता है तो कहाँ पर किया जाता है, तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा बहराइच में। याद रखिएगा कि हजरत गाजी सैयद सलार मसूद एक महान संत थे जो हिंदुओं और मुसलमानों के लिए समान रूप से पूजनीय थे और इनकी दरगाह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है, जो कि यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है जिसको सैयद सलार मेले के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो ये आपका लगता है देवा शरीफ में, क्वेश्चन आपका मिलान करने के लिए आया था, ठीक है। तो आपके देवा शरीफ में लगता है सूफी संत आपके हाजी वारिस अली शाह की मजार पर लगता है, कहाँ पर? देवा शरीफ, ठीक है ना। तो 89 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रतिवर्ष सूफी संत वाजी वारिद अली शाह की मजार पर जो कि देवा शरीफ बाराबंकी में, ठीक है, देवा शरीफ कहाँ पड़ता है आपके बाराबंकी में मेला लगता है और बाराबंकी से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है आपके देवा में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी अली शाह के मजार पर इनके वार्षिक वर्ष के अवसर पर जो कार्तिक माह में मेले का आयोजन होता है, ठीक है, कार्तिक माह में। नेक्स्ट कर आपसे उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है आपके कहां पर स्थित है, तो ऑप्शन राइट आपका थर्ड हो जाएगा आपके इलाहाबाद में, ठीक है ना, कहां पर? इलाहाबाद में है। और आपको पता है कि इसे प्रयागराज वर्तमान में बोल दिया गया है, ठीक है ना।
और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध इलाहाबाद से नहीं है, इलाहाबाद से नहीं है, तो आपका ये नहीं है, 91 का ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, वागीश्वरी देवी। ठीक है, वागीश्वरी देवी का संबंध आपका नहीं है, मतलब कि टप्पा शैली की मीठी आवाज़ वाली जानकी बाई या छप्पन छुरी कौमा बांसुरी वादक थे आपके हरप्रसाद चौरसिया और गायिका थी कृष्णा देवी का संबंध इलाहाबाद घराने से है, जबकि वागीश्वरी देवी बनारस घराने से। अभी आपका क्वेश्चन आया था कि बनारस घराने से संबंधित आपके वागीश्वरी, समझ में आ गया ना, इलाहाबाद से नहीं है, कहाँ से हैं आपके, अभी मैंने बताया कि बनारस घराने से इनका संबंध है। नेक्स्ट कर आपसे, उत्तर प्रदेश में कितने संस्थानों द्वारा कथक में स्नातक की उपाधि दी जाती है, कथक में स्नातक की उपाधि दी जाती है कितने संस्थानों द्वारा, तो 92 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा आपका हो जाएगा फर्स्ट, आपके 4। ठीक है ना, आपके 4 संस्थानों पर कथक में स्नातक की उपाधि दी जाती है। ये आपकी कौन कौन सी, तो आपका एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, भातखंडे संगीत संस्थान जो आपके लखनऊ में है और राष्ट्रीय कथक संस्थान जो आपके लखनऊ में है, समझ में आ गया ना, इन 4 जगह आपकी दी जाती हैं। नेक्स्ट कर आपसे, कजरी लोक गीत किस ऋतु में गाया जाता है, ये पिछली बार क्वेश्चन आया था, तो कजरी वर्षा ऋतु का लोकप्रिय गीत है और इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर से मानी जाती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, आपकी वर्षा ऋतु में गाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि रसिया लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है, रसिया लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है, ये गीत गाया जाता है आपके ब्रजभूमि की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, ऑप्शन आपका आपका बी हो जाएगा, रसिया ब्रजभूमि की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की उपासना विभिन्न तरीकों से की जाती है और इन गीतों में आध्यात्मिक एवं भौतिक भक्तिभावों को भी प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, ये लोक नृत्य आपके ऑप्शन आपके 3rd बुंदेलखंड, अभी जो क्वेश्चन आपका आया भी था बुंदेलखंड। ठीक है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, ये एक क्वेश्चन, ये इसी क्वेश्चन ये बनता है कि पुत्र जन्मोत्सव पर, ठीक है, कब पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में ख्याल नृत्य किया जाता है। ठीक है ना, पुत्र जन्म जब होता है तब ये किया जाता है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है, ठीक है, ब्रज क्षेत्र का, तो आपका कौन सा लोक नृत्य है, तो यहाँ पर देखिए आपके कह रहा है रास नृत्य जो कि है, मयूर नृत्य ये भी आपका है, चारकुला भी है और आपके झूला नृत्य भी, मतलब कि ये चारों ही आपके नृत्य आपके ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य, ऑप्शन आपके यहाँ पर 4 अथना मतलब डी सही हो जाएगा सभी। नेक्स्ट कर आपसे धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, धोबिया तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, 97 ऑप्शन राइट आपका 3rd हो जाएगा पूर्वांचल का। ठीक है, धोबिया नृत्य पूर्वांचल में किया जाता है और यह नृत्य धोबी समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, इस नृत्य में एक नर्तक धोबी बनता है और दूसरा नर्तक गधा बनता है और इस नृत्य के माध्यम से धोबी और गधे के संबंधों को दिखाया जाता है, समझ में आ रहा है ना सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कलाबाजी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, कलाबाजी ये जो आपका है कहाँ का, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 1st हो जाएगा अवध क्षेत्र का है, कलाबाजी अवध क्षेत्र का लोक नृत्य है और इस नृत्य में नर्तक कच्ची घोड़ी पर सवार होकर मोर बाजा मतलब कि विंड पाइप लेकर कलाबाजी करते हुए नृत्य करता है और इस नृत्य में कलाबाजी की प्रमुखता होने के कारण इसको कलाबाजी कहा जाता है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, कह रहा आपसे यहाँ पर राय नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, राय नृत्य, तो ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का है, तो 99 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर 4 हो जाएगा, आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र का है राय नृत्य, ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और यह एक प्रकार का मयूर नृत्य है जिसे मुख्यतः कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जोगनी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, जोगनी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, ये लोक नृत्य है आपके अवध क्षेत्र में किया जाता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि जोगनी जो आपका होता है ये आपके अवध क्षेत्र में किया जाता है और यह नृत्य साधु वेशधारी स्त्री रूप नृतकों तथा साधु वेशधारी पुरुष नृतकों द्वारा, मतलब कह सकते हैं स्त्री जो होती हैं साध्वी और जो साधु होते हैं नृतक, मतलब इसका
बनाकर सामूहिक रूप से रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। पहले इस नृत्य में स्त्रियां भाग लेती थी, परंतु अब इसका अभियान अब ये कह सकते हैं कि अभिनय पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा लोक नृत्य आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करता है, आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करने वाला ये लोक नृत्य आपका कौन सा है? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, छपेली। ठीक है, छपेली गायन का नृत्य आपका जो प्रस्तुतिकरण किया था, एक हाथ में रूमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है, और इस गायन नृत्य के माध्यम से आत्मिक और आपके आध्यात्मिक प्रेम को अभिव्यक्त किया जाता है, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है। बिल्कुल सिंपल आपसे पूछा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो 103 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, ये आपके पूर्वांचल का है। ठीक है, नटवरी जो नटवरी नृत्य है वो पूर्वांचल के यादव अर्थात अहिर समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, और यह नृत्य गीत व नक्कारे के सुरों पर किया जाता है। 104 नंबर पे आते हैं, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश की पहली ग्लव्स पपेट है, उत्तर प्रदेश की पहली ग्लव्स पपेट है। भाई ये देखो नया पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा, तो इसका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन? तो ऑप्शन राइट आपका 104 का दो हो जाएगा, गुलाबो सिताबो। ठीक है, गुलाबो सिताबो है, ये पहली ग्लव्स पपेट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोक नाट जो कठपुतली के ग्लव्स हुआ राट पपेट प्रकार का अधिक प्रचलन, मतलब जो कठपुतली आपने सुना होगा कठपुतली, ठीक है ना, वो गुलाबो सिताबो प्रदेश की पहली ग्लव्स पपेट है, जो कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह के जीवन पर आधारित है। जो आपके गुलाबो सिताबो गाँव में भी आते थे, ये आपके अवध के नवाब वाजिद अली शाह के जीवन पर आपका आधारित है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं? ये आपको जो लगते हैं किस मेले कहाँ पर लगते हैं ये भी, इसको भी हमने बहुत ही बार बताया है, तो आपको इसका जवाब देना है। और जो हमने पूछा है उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है आपका कौन है, इन दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगे 35 प्रश्न, मात्र 35 प्रश्न बचे हैं इस चैप्टर में, कला उत्सव पर्व त्यौहार मेले संग्रहालय सांस्कृतिक झलक, मतलब चार आपके लेक्चर में हमने यहाँ पर इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, जो कि 140 प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट किया है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पार्ट आप देख लेंगे तो लगभग जितने भी क्वेश्चन और भी बन सकते हैं वो भी मिल जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की नदियाँ हैं, झीलें हैं, इस प्रकार के पत्र पत्रिकाएँ क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल सिक्वेंस पढ़ते रहेंगे, आपकी कंप्लीट हो जाएगी यूपी स्पेशल। और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमने प्लेलिस्ट बना दिया है तो वहां पर सभी वीडियो देख सकते हैं आपकी यूपी स्पेशल के। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।